जीएसटी इनवॉइसिंग एंड फाइलिंग करना है आसान। बुककीपर के साथ 1 लाख बिजनेस ओनर्स का भरोसेमंद साथी। आज ही ऐप डाउनलोड करें और पाएं 14 दिन फ्री ट्रायल। दिल्ली में चुनाव से पहले कई हंगामे हुए। पार्टियों की तकरार के चलते राजधानी का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था, लेकिन जब चुनाव की तारीख आई तो लगा कि अब दिल्ली में शांति का बसेरा होगा, मगर ये गलतफहमी भी दूर हो गई। ये चुनाव है जनाब, आने से पहले जितने हंगामे लाता है, जाने के बाद उतने ही हंगामे पीछे छोड़ भी जाता है। अब हाल ही में हुए मसले को ही ले लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का फाइनल वोटिंग प्रतिशत आने में देरी क्या हुई कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोपों की छड़ी लगा दी। दरअसल चुनाव के बाद दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत के फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा पेश किए जाने थे, लेकिन इन आंकड़ों को जारी करने में चुनाव आयोग से 24 घंटे की देरी हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोटिंग के फाइनल आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगा डाला। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए, आप भी सुनिए। कल दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आए सभी चैनलों पे। पूरी दिल्ली को, देश को, मीडिया वालों को इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिल्ली में हुई है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उस समय भी सेम डे फिगर बता दिया जाता है कि इतना मत प्रतिशत पड़ा। मुझे याद है उस जमाने में जब बैलेट से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, चुनाव संपन्न होने के बाद अखबारों में खबरें आ जाती थी, टीवी पे खबरें आ जाती थी कितना मत प्रतिशत चुनाव में मतदान हुआ। कल से सारी मीडिया इस बात का इंतजार कर रही है, पूरी दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है, हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितना मतदान हुआ ये तो बताओ। लेकिन 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव आयोग मत का प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं, कितना मतदान हुआ। संजय सिंह के इल्जाम लगाने के पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि वोटिंग के बाद शनिवार को चुनाव आयोग के ऐप पर पहले 57% का अंतिम आंकड़ा दिखाया गया, जो बाद में बढ़कर 61% तक पहुंच गया, जो कि संदेहजनक है। आंकड़ों में देरी पर सवाल उठाने वाले अकेले संजय सिंह नहीं थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाते हुए ट्विटर पर चुनाव आयोग से सवाल पूछे। संजय सिंह के इल्जामों को देखते हुए बीते रविवार यानी कि 9 फरवरी को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा चुनाव का फाइनल वोटिंग प्रतिशत जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने देरी का कारण बताते हुए कहा कि 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन से देर रात तक डेटा आते रहे, जिसके कारण आंकड़ों को जोड़कर फाइनल निष्कर्ष निकालने में वक्त लगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन में भी गड़बड़ी के चलते पूरा डेटा इकट्ठा होने में देर हो गई। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिल्ली चुनाव के वोटिंग आंकड़ों पर नजर डाले तो इस बार दिल्ली में 62.59% वोटिंग हुई। कुल वोटिंग में 62.55% महिलाओं ने वोट डाला है और 62.62% पुरुषों ने वोट डाला है। 2015 विधानसभा चुनाव में 67.47% मतदान दर्ज किया गया था, जिसके तहत इस बार वोटिंग में 5% की कमी देखी गई है। दिल्ली के बल्लीराम विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 71.6% वोटिंग हुई, जबकि दिल्ली कैंट इलाके में सबसे कम 45.4% वोटिंग हुई। ओखला विधानसभा क्षेत्र में 58.84 और सीलमपुर में 71.22% वोटिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।